नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज युग और मैं हूं चंद्रशेखर त्रिशूल। ये वो वक्त है जब मासूम बेटियों की ऊपर दरिंदगी को लेकर न्याय के देवता यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई खुद न्याय की ड्योढ़ी पर इन मासूम बच्चियों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एक शब्द ऐसा है जिसमें दो बार माँ आता है, वही मामा अपनी दरिंदगी का, अपनी हवानियत का घिनौना खेल अपनी भांजी के साथ खेलता है। डरी और सहमी मासूम भांजी जब न्याय की गुहार लगाती है और थाने पहुंचती है तो थानेदार साहब तमाम मानवीय संवेदनाओं को ताक में रखकर पुलिसिया राग अलापते हैं और कहते हैं मामले की तफ्तीश चल रही है। ये तफ्तीश तमाम मानवीय संवेदनाओं पर एक गहरा हमला है जब न्याय की गुहार लगाने वाली 14 साल की मासूम बच्ची अपने ही घर में अपने ही मामा से दरिंदगी का शिकार हो रही है और थानेदार साहब का महज एक औपचारिकता भरा जवाब इस घिनौने मामले पर आता है कि तफ्तीश चल रही है। अब ये तफ्तीश कब तक चलेगी और वो बच्ची कहाँ रहेगी, ये शायद थानेदार साहब को पता नहीं है। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट। हे भगवान, ये तूने क्या किया? कंस और शकुनी भी पानी पानी हो जाते हैं इस भगवान के आगे। दरअसल ये भगवान नाम है उस मामा का जिसने अपनी 14 वर्षीय मासूम भांजी के साथ दरिंदगी का खेल खेला है। ये अपराध इतना जघन्य है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मामा की दरिंदगी का ऐसा रूप शायद ही आप देखा हो। इस मामले को लेकर पुलिस थाना मोहना का गैर जिम्मेदारा रवैया भी सामने आता है जब थानेदार साहब अपनी पुलिसिया स्टाइल में इस मामले पर अपना जवाब देते हैं। वो जवाब देते हैं कि तफ्तीश चल रही है, अब जांच ऐसे मामले में चल रही है तो ये भी सोचने की बात है कि 14 साल की वो डरी सहमी मासूम बच्ची आखिर कहाँ रहेगी। लेकिन वो रह रही है और इस इंतजार में रह रही है कि शायद हफ्ते दो दिन में, दो चार दिन में जब मामला उछले तो उसके भी न्याय का नंबर थानेदार साहब के पास टेबल पर आ जाए। बच्ची ने परेशान होकर 100 नंबर पर यहाँ तक कहा कि आप मेरी रक्षा नहीं कर सकते हैं तो क्या मैं फांसी लगाकर मर जाऊँ। अब ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि पुलिस अपने जिम्मेदाराना रवैया को अख्तियार करते हुए उस दरिंदे के गरेबान तक जल्द से जल्द पहुंचे और 14 साल की इस मासूम बच्ची को न्याय दिलाए। और ये मैसेज, ये संदेश तमाम उन दरिंदों के लिए काफी होना चाहिए जब जीवाणु सिकंदर जैसा अपराधी पुलिस के सामने बेखौफ खुला घूमता है। वो मेरे जो मामा है, मेरी जो सौतेली माँ है, उसको कमरे में बिठा के कमरे में भेज देती थी और बाहर से कुंडी लगा के बाहर चली जाती थी। उसे क्या करती थी, और जो मेरे मामा है वो मेरे साथ गलत हरकत करते थे, अगर नहीं करवाती थी वो कान आप मेरी छाती पे हाथ पे रहता और भी गलत हरकत की थी। मेरे मामा बहुत गंदे हैं बहरहाल थानेदार साहब का बयान है कि मामले की जांच चल रही है। उसके लिए आई मीटिंग मुकदमा दर्ज है, तफ्तीश दर्ज हुई है ना, इसीलिए एफ आई आर दर्ज हुई है, तफ्तीश कर रहे हैं और इसमें जो भी लीगल कानूनी कार्रवाई होगी वो। अब वो बच्ची ने मेरे पास में आई कल, उसका कहना था कि वो जो माँ है उसका मामा को उसके साथ में कमरे में बंद कर देती है, मामा उसके साथ में गलत काम करने की कोशिश करता है, उसका जब वो विरोध करती है बच्ची तो उसके नाक में आँख में नमक भर दिया जाता है। इतना जघन्य अपराध सुन के रोंगटे खड़े करने वाली ये घटना है। जब इतना हो रहा है तो बोले हम तफ्तीश कर रहे हैं, क्या पुलिस का काम जुर्म रोकना नहीं है? तफ्तीश जुर्म हो जाने के बाद में पुलिस तफ्तीश करती रहेगी? बच्ची ने 100 नंबर पे कॉल करके फोन किया है कि मेरे साथ में ये कांड हो रहा है, अगर आप मेरी रक्षा नहीं करते हो तो क्या मैं फांसी खा के मर जाऊं? उन्होंने हमें कहा कि देखिए हमारी तफ्तीश जारी है और आपको बैठना पड़ेगा, यहाँ थाने में आई बच्ची, उस बच्ची से कहा गया रात के 10 भी बज सकते हैं, 11 भी बज सकते हैं, आपको यहाँ बैठना पड़ेगा। 24,000 मामलों को
बच्चियों पर दुष्कर्म के मामलों को देखकर न्याय के देवता न्याय की डौड़ी पर खड़े इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। डरी सहमी भांजी अपने दरिंदे मामा के गिरफ्तार होने का इंतजार कर रही है। तमाम मानवीय संवेदनाओं के इतर ये महज एक औपचारिकता होकर रह गया है मामला। अब ऐसे में ये समाज के लिए और मासूम बच्चियों के लिए क्या संदेश है, ये बहुत गौर करने वाली बात है। और गौर करने वाली बात ये भी है कि आखिर मोहना थाने के थानेदार साहब की ये तफ्तीश कब तक पूरी होगी, कब तक उस दरिंदे मामा की गिरफ्तारी होगी और कब तक बच्चियां ऐसे ही दुष्कर्म का शिकार होती रहेंगी और थानागाजी जैसे प्रकरण, जीवाणु जैसे दरिंदे समाज में होते रहेंगे और खुले घूमते रहेंगे। तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए न्यूज़। नमस्कार।